tired of the daily breakdown problem, a customer of leading automobile company Skoda got his Octavia car pulled from donkeys, marking it a protest against the company, which failed to rectify the actual problem. The car owner, frustrated of running from door to door, made a free effort to make Skoda listen to his problem by attaching the name of the car Octavia on both donkeys' head. मैंने ये गाड़ी 19 मार्च 2015 को खरीदी थी. गाड़ी 25 लाख रुपए की मैंने ये गाड़ी खरीदी थी. मेरी से गलती ये होगी कि मैंने दो गधे साथ में नहीं खरीदे. इस गाड़ी को खरीदने के लिए दो गधे साथ में लेने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जब से मैंने ये गाड़ी खरीदी है तब से लेके अब तक इसमें रोज कोई ना कोई नई प्रॉब्लम आती है. कंपनी से अब तक किसी भी प्रॉब्लम का आज तक कोई पक्का सॉल्यूशन नहीं हो पाया. अब गाड़ी में एक प्रॉब्लम इस कदर बढ़ चुकी है कि इसके सस्पेंशन में से 3 पार्ट छूट चुके हैं और कंपनी कहते हैं कि हम इसको वारंटी में नहीं बदलेंगे, जबकि कंपनी की रिटर्न पॉलिसी में लिखा हुआ है कि वो सारे पार्ट्स को कवर करेंगे. इसकी ब्रेक्स की आवाज़ें, कंपनी कहती थी ये तो प्रोडक्ट का डिफेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ये एक डिज़ाइन डिफेक्ट है. हमारी सारी गाड़ियों में ये आवाज़ आती है. जब मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी गाड़ी की तो उसमें कोई इस तरह की आवाज़ें नहीं थी, क्योंकि इस तरह की आवाज़ें सुनने के बाद तो कोई बंदा ये गाड़ी खरीद नहीं सकता. और क्या क्या प्रॉब्लम? इसका म्यूजिक सिस्टम नहीं चलता गाड़ी का. वो कहती थी हमारी एक सीडी आ रही है जर्मनी से, जब वो आएगी तब आपका म्यूजिक सिस्टम ठीक होएगा. एक साल पहले गाड़ी की बैटरी एकदम बैठ की, कोई सिग्नल नहीं, कुछ नहीं. हम लोग रोड पे खड़े थे, यहीं सराबनगर मार्केट में थे, गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई. कंपनी कहती थी इसमें बैटरी छोटे साइज की डली, हमने अब आपकी बड़ी साइज की डाल दी. कंपनी को जब यही नहीं पता कि गाड़ी को बैटरी कौन सी चाहिए तो वो क्या बेच रहे हैं. तो ये क्या तरीका हुआ गधों को लगाने, क्यों किया? सर गाड़ी चलती नहीं है. कंपनी कहती थी आप सस्पेंशन ठीक कराओगे तो ही आपकी गाड़ी चलने लायक है, नहीं तो कोई इसका हल नहीं है. तो मेरे पास तो यही हल था कि चलो गधे हैं बेचारे, अपना काम माल ढोते रहेंगे, गाड़ी को खींचते रहेंगे. मैंने जी इनके डीलर से बात की है, मैंने इनके नॉर्थ रीजनल का जो एरिया मैनेजर है मैंने उससे बात की है, मैंने कंपनी के फेसबुक पेज जो इंडिया का है उसके ऊपर डाला है, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया. मैंने जर्मनी में ईमेल्स डाली, वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया. मैंने कज़ेच रिपब्लिक जहां की ये कंपनी है वहां पे ईमेल्स डाली, वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया इनका. This unique protest was thought of only after his uncountable attempts of explaining his problem from the dealer to zonal office of Skoda.